आदाब नाजरी, मैं इरफान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हेलो, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। मिस शीबा इज शोइंग अ ग्रेट जेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी। शीबा एज अ सिटीजन एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ जीएचएमसी नेग्लिजेंस टुवर्ड्स पुलिस स्टेशन ऑफ गोलकुंडा। शी एज अ सिटीजन टुक बिग स्टेप्स फॉरवर्ड टू मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। With her own money, she started doing voluntary works for police stations for safety of Telangana Police Department in this COVID-19 pandemic lockdown period. With reporter Sheikh Ahmed, this is Irfan, Star News Express. फैमिली काउंसलिंग है यहाँ पे। देखिए पूरा कचरा, पुलिस डिपार्टमेंट को क्या सेफ साइड रख रहे हैं, पुलिस को क्यों पॉलिटिक एजेंट नहीं आएंगे इतना गंदे के मैं हूँ शीबा, एज ए सिटीजन मैं कई दिनों से काम कर रही हूँ पब्लिक के लिए, और एज ए सिटीजन हम लोग को सबको ये एक चीज़ ध्यान पे रखना है कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए कोविड-19 में 24 आवर्स काम कर रहे हैं, उनको वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है और उनके भी परिवार है, फिर भी जान का खतरा लेकर भी वो लोग हमारे लिए इतना दिन रात काम कर रहे हैं कोविड-19 में। और भी यहाँ पर वायरस और भी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तेलंगाना में केसेस बढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं। और इस चीज़ में पुलिस डिपार्टमेंट जीएचएमसी लोग यहाँ पर आ रहे नहीं हैं, 15 दिन 20 दिन पहले आए हैं। मैडम कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? गोलकुंडा पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पर जीएचएमसी लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट को, अगर पुलिस डिपार्टमेंट को भी आप लोग काम नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है? आप डिपार्टमेंटल होकर, गवर्नमेंट के आप होकर फ़ायदा क्या है ये बताइए। गवर्नमेंट के लोगों को आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपका ड्यूटीज आप क्लियर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारा गंदगी है पुलिस डिपार्टमेंट के पास, और भी आम पब्लिक भी आते हैं यहाँ पर, तो जीएचएमसी कर रहा क्या है ये बताइए। तो मैं सीएम साहब से अपील करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग पूरा सैनिटाइजिंग करे हैं यहाँ पर, और मैं अकेली यहाँ पर, पूरा फैमिली काउंसलिंग है यहाँ पर, पूरा रूम्स में जाके जैसे हमारे खुद के पैसों से मैंने सैनिटाइज करी। मैडम मैडम आप एनजीओ से है या एक आम पब्लिक में से है आप? मैं आम पब्लिक में से हूँ और हमेशा पब्लिक के तरफ से ही मैं काम करूँगी, और जितना भी हमारा डिपार्टमेंट है बोल भी नहीं सक रहे हैं कि जीएचएमसी काम नहीं कर रहा बोल के, तो ये कितनी शर्मदार की बात है आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से हम बोल नहीं सकते हैं यहाँ पर, इतना खतरा है। सीएम साहब आप कर रहे हैं क्या? आप देखते रह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी, कितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं आप देख रहे हैं, वो 24 आवर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। और मैं अपील करना चाह रही हूँ कि सीरियस नोट लीजिए इसको, और यहाँ पर जीएचएमसी लोग काम करिए, प्रॉपर काम करिए, करिए बोले तो प्रॉपर काम करिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना गंदगी भरी हुई है, हर एक रूम्स में गंदगी है, यहाँ पर कोई सैनिटाइज भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आके। तो आई एम अपीलिंग टू गवर्नमेंट टू टेक सीरियस एक्शन ऑन दिस डेवलपमेंट। यू आर गुड नाइट मैम शीबा।